फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेस्टी सांभर। इसके लिए हमको ज़रूरत होगी अरहर दाल की। हमने ये दाल आधे घंटे पहले भिगो के रख दी थी। अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे एक चम्मच ऑयल। ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं, ये सिर्फ बाहर दाल बाहर ना निकलने पाए इसके लिए ऐड करते हैं। उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये हमने कद्दू कट करके रखा है, हम इसमें सबसे पहले कद्दू ऐड करेंगे। एक कटोरी लौकी है, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसे चला देंगे। अब इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। बहुत आसान होता है सांभर बनाना। इसमें दाल ऐड कर दी है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम अपने हिसाब से ऐड करेंगे। आपको अगर पतला पसंद है तो आप पानी कम ऐड करिए। आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, जितनी चाहें। बीन्स हैं और आलू प्याज आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स होंगी सांभर अच्छा लगेगा। मेरे पास इस समय कद्दू और लौकी ही है, इसलिए हमने कद्दू लौकी ऐड की है। इसमें हम एक चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिए। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। इसे हम 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स अब ये देखिए एक सांभर पक के तैयार हो चुका है। हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम इसमें सांभर मसाला ऐड करेंगे। इसमें और हमने ये इमली का पानी बना के रखा है, अब हम इसे ऐड करेंगे। पाँच मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे। हमने पानी ऐड किया है, इमली का पानी ऐड किया है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें नमक और ऐड करेंगे। अब हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच मिर्ची ऐड करेंगे। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप ऐड करिए। अब हम सांभर में तड़का लगाएंगे। उसके लिए हम ऑयल गरम करेंगे।
डालेंगे हींग, एक चुटकी हींग, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच राई, अच्छे से पकने देंगे। इसमें डालेंगे अब हम करी पत्ता, साबुत लाल मिर्च, आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप प्याज लेते हैं तो आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग प्याज नहीं खाते हैं इसलिए हमने प्याज नहीं ऐड किया है। अब हम इसमें सांभर ऐड कर देंगे, हमने पहले से ही बना के रखा है। देखिए अब ये टेस्टी सांभर बनके तैयार है। इसे गर्मा गर्म चावल के साथ, इडली के साथ, डोसा के साथ, डोसा के साथ तो इसका चोली दामन का साथ है, आप इसे चावल के साथ गर्मा गर्म खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।